मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शिवराज सरकार को घेरते घेरते खुद गिर गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह द्वारा ट्विटर पर जो फोटो वीडियो पोस्ट किया गया था वह मध्य प्रदेश का था ही नहीं। इसी को लेकर अब भाजपा और युवा मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा नीमच के पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन एडिशनल एसपी सुंदर सिंह गणेश को सौंपा, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ धार्मिक भावनाओं और प्रदेश का माहौल भड़काने को प्रयास को लेकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 10 मार्च 2022 को रामनवमी के चल समारोह में खरगोन में कुछ उग्रदेवियों द्वारा धार्मिक माहौल खराब करने की नीयत से चल समारोह पर पथराव किया गया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके चलते खरगोन जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। घटना को लेकर प्रदेश स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा धार्मिक माहौल बिगाड़ने के लिए ट्विटर पर अनलीगल बातें कही और अन्य तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री को सही लोगों पर भी कार्रवाई करने के लिए भड़काया जा रहा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से कहीं भी प्रदेश का माहौल खराब कर धार्मिक दंगे हो सकते हैं, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पुराना फोटो जो कि मध्य प्रदेश का नहीं है उसे खरगोन की घटना से जोड़कर ट्वीट कर किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि खरगोन की घटना पर राजनीति कर दंगे फैलाने जैसे कृत्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ज्ञापन के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री पर उचित कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव तिवारी, जिला महामंत्री रवि पाटीदार, मदन गुज्जर, जिला मीडिया प्रभारी अंकित श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष शुभम चौहान, अजय पाटीदार, पुखराज योगेश अहिर, योगेश मोनू चौधरी, महेश मनोज मोदी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले रामनवमी के जुलूस पर खरगोन में कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया व आगजनी जैसी घटनाएं वहां पर हुई हैं। उन सभी घटनाओं के बीच 10 तारीख को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा एक ट्विटर के माध्यम से एक फ़ोटो वायरल किया गया जो कि मध्य प्रदेश का है ही नहीं, और उस फोटो को वायरल करते हुए दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश का माहौल ख़राब करने की पूरी योजना बनाकर इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में एक साथ सभी थानों व एसपी कार्यालयों पर जाकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है तथा उनके मंसूबों को पुलिस प्रशासन के सामने लाया है, क्योंकि वो पहले से ही मिस्टर बंटा डाल रहे हैं और वो अभी भी शायद लगता है कि इसी प्रकार का एक नया षड्यंत्र लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से जो कृत्य खरगोन में हुआ है वह कृत्य पूरे प्रदेश में हो ऐसी मंशा लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है, जिसके लिए हम पुलिस प्रशासन को आगाह करते हुए उन पर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उसमें हमने ट्विटर की जो उनका फोटो है उसको साथ में अटैच किया है, इसलिए प्रदेश में भाजपा नहीं, भाजपा की सरकार है, लेकिन जो विषय इस प्रकार का सामाजिक सौहार्द्रता को बिगाड़ने का कृत्य अगर कोई करता है तो उसके लिए चाहे हम सत्ता में हों लेकिन हम उसके लिए बाध्य हैं और हम उसके लिए हमेशा आगे आते रहें।